ये आटा पीसने का इतना बड़ा कैसे पीसते होंगे लोग यार। जंगल में कहीं मंगल तो नहीं करते लोग। समय का जो भाषा है फिलहाल में ये दिया गया है ना, 2000 साल पुराना यहाँ का हिस्ट्री है। वो मस्जिद है मालूम है नजरान में, इस्लाम आने के बाद जो है ना पहला मस्जिद बता रहे हैं दोस्तों। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्ते, कैसे आप सब दोस्तों। अभी फिलहाल सुबह का 9:00 बज रहा है, अभी सो के उठा हूँ 12 बजे। कल रात में सोए थे मैं, जितेंद्र भाई भी कर आए हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा था, पिछले फ्राइडे को हम लोग गए थे जहाँ पे अलकनंदा, जहाँ पे आग की बारिश हुई थी। हालांकि वीडियो आधा अधूरा रह गया था, ऐसे में पूरा वीडियो निकल नहीं पाया था, यानी हो नहीं पाया था। और मेरा जो गिम्बल का स्टैंड है ना, वहीं पे गिर गया था, तो वो भी मुझे जरूरी है लेना, अगर हो सकता है शायद मिल जाए वहाँ पे। और साथ में आज फ्राइडे तो जितेंद्र भाई जाए और अनु भाई का भी इंतजार करना, शायद वो आए क्योंकि रात में आने वाले थे, नहीं आए। कुछ बोले सुबह आएंगे, अगर मॉर्निंग आएंगे तो हम सब जाएंगे वहाँ पे घूमने के लिए और दिखाएंगे आपको पूरा फुल वीडियो। उससे पहले क्या है, थोड़ा सा सफाई दफाई जो भी है करना है और फ्रेश होके फिर नहा धो के चलेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 2 बजे तकरीबन ओपन होगा, क्योंकि सुबह दूसरे दिन तो 10 बजे बता रहा था कि 10 बजे से शाम के 4 बजे तक ओपन रहता है, लेकिन फ्राइडे को लगभग 2 बजे से 5 बजे तक शायद है ऐसा कुछ। तो हम लोग जल्दी चलेंगे, पिछली बार की तरह नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लेट होता और वहाँ पे जाते ही बंद हो गया म्यूजियम, तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। धोके दाढ़ी वाड़ी बना के खाना वाना खा के फिलहाल हो चुके हैं रेडी और आनंद भाई का इंतजार कर रहे हैं। जितेंद्र भाई तो खैर वो भी नहा धोकर तैयार हैं, अभी फिलहाल आनंद भाई आते हैं उसके बाद निकलते हैं। फिलहाल टाइम भी लगभग 12:45 हो रहा है, तो 2 बजे से पहले जाना फ़ायदा नहीं है। अभी सलाह का टाइम है, लगभग 1 बजे लोग खत्म होगा, उनका खाना पीना खाएंगे, उनके 2 बजे तक जाके कहीं भूलेगा। तो तब तक कुछ घर पे बात वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद निकलेंगे घूमने के लिए। यार कलियाँ से मंगतन का ना दिमाग खराब कर लिया, 3-4 मिले कलियाँ ही लाना दिनों घूमे रहा सा। ये मतलब तू मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। कल रूम में दो तीन आदमी आई ला, 2-3 आदमी पाकिस्तानी घूम रहे हैं बस, हर खमीज को हर हफ्ते पहुंच ही जा रहे हैं रूम में पैसा मांगने के लिए। तो उसी चक्कर में आनंद भाई भी लग रहा है, वो उसे वही काम के लिए आया हूँ। मिल गया तो अच्छा है। कौन परेशानी और सानी बताएगा तब ना। परेशानी क्या बताए, गाड़ी ले ली, वही लोन भरेगा, वही के दुखी में पैसा मदद करा। जो टाइम हो चुका है ना, लगभग 2:30 बज चुका है और फिर हम लोग होते हैं रेडी और जो भी है ना जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि ऐसा ही हो जाएगा पिछली बार जैसा, घूम भी नहीं पाएंगे और हो जाएगा बंद तो फिर तो मैटर ही बन जाएगा। क्योंकि एक तो बहुत दिनों बाद तो टाइम जैसे बोलते हैं ना कि निकालते क्या नहीं, ऐसा हो रहा था कि बहुत दिनों से जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पा रहे थे, और गए एक बार तो ऐसे ही बंद हो गया, और दूसरी बार जाने जा रहे हैं पार्ट 2 के लिए, तो पूरा खैर कवर करेंगे और उसके लिए जल्दी जाएंगे तो टाइम रहेगा तो अच्छा खासा घूम भी सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं। तो भले करते हैं चेंज कपड़े को, फाइनली हो गया है चेंज वाला कपड़ा, चलते हैं निकलते हैं घूमने के लिए। अभी जो मार्केट भी है ना धीरे धीरे लगना स्टार्ट हो गया है, और ये लग रहा है ना अभी नया नया मार्केट में कुछ होटल या कुछ खुला है, अच्छा खासा सजा के रखे हैं लोग। तो भाई साहब फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अलकनंदा में, और खैर पहुंच के एंट्री कराते हैं गेट पे। और सबसे बड़ी बात जो हमारा जो गिम्बल का ना स्टैंड जो गिरा है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, और खास करके मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था लेकिन जामा में काम चलने की वजह से ना आना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो ऐसे में अभी आज तो घूम के ही जाएंगे पूरा अच्छे से। इनको इधर घूमना है घूम ले, ये घूमने वाला एरिया है, टेलीविजन है यहाँ पे, जो वहाँ पे क्या क्या चीज़ है ना यहाँ पे टीवी पे दर्शाया है। तो बाहर तो हम लोग खैर म्यूजियम जो छोटा सा बनाया था निकले हैं, और इधर से जाना किधर है हम लोगों को, यहाँ पे दिशा निर्देश दिया गया है। किधर चलते हैं जितेंद्र भाई, ये फोर्ट की तरफ जा रहा है, ये अलमास्को इधर मस्जिद है, और द बिग माइल स्टोन पता नहीं क्या क्या चीज़ है, द स्मॉल माइल स्टोन साइड रेट। चलो फोर्ट घूम के आते हैं पहले, ये जो रास्ता बनाया हुआ है फिलहाल, ये भी रास्ता आनंद भाई बनाए हैं अपने गाड़ी से पहाड़ी के नीचे सब बना।
ट्रेला से, यहाँ से कुछ ट्रेला से कुछ गिरा है नहीं इसमें? नहीं, इसमें नहीं गिरा, बाहर सब बाहर वाली जगह। तो भाई साहब ये जो दिख रहा है ना अभी, ये वहाँ से जो लोकेशन दिया था फोर्ट का है, अभी फिलहाल अंदर जाने पे पता चलेगा ये फोर्ट। खैर हमको लगता है ये शायद वो अपने फोर्ट क्या बोलते हैं जो किला उला जो होता है ना, शायद किला टाइप का होता होगा ना, किला टाइप का, ये भी शायद उस समय का किला रहा होगा। भाई साहब ज़्यादा पढ़े लिखे में यही फायदा है कुछ पता नहीं चलता है। हाँ जितेंद्र भाई यार मोबाइल रिपेयरिंग करते हो, जानकारी होता है ऐसे ही बस आँख खोल के या आँख बंद करके बना देते हो? अच्छा बंद करके नहीं है अभी, रास्ता है ना बंद है, ये भी बंद है, लेकिन आदमियों के लिए थोड़ी ना बंद है, गाड़ी वाड़ी नहीं जा सकता है। ये शायद ना पहले का बताते लो ना घर रहा होगा, और किस जमाने का, कितना 100 साल पुराना, 21 जीव का हड्डी लग रहा है। हाँ किस जीव का हड्डी है वो, सूंघ के बताओ कितने साल पुराना है। कुछ भी ये उसी जमाने का लग रहा है, सीढ़ी भी है लेकिन जुड़ा ही नया होगा। अगर ये सीढ़ी बनाने का मतलब क्या है, यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है? यही तो पत्थर नहीं गिरा था कुछ? वैसे हम लोग फिलहाल घूम घूम के ना, खैर कुछ तो मिला नहीं अभी तक, लेकिन यहाँ पे कुछ वार्निंग के साथ साथ इसका फोर्ट के बारे में कुछ बताया गया है। कहाँ मिल गया भाई लोग, हाँ कोई हिस्ट्री बायोलॉजी मिल गया हिस्ट्री के बारे में, द फोर्ट। हाँ टाइम से ढूंढते रास्ता मिल गया है फाइनली। ये रास्ता कहाँ के लिए जाता है, कहाँ के लिए जाता है जितेंद्र भैया? भीतरी। अरे भीतरी का मतलब कहाँ हो, अंदर तो जाते हो। अच्छा ये रास्ता देखो गिट्टी उट्टी डाला। आनंद भाई ये आपका ही काम तो नहीं हुआ यहाँ पे? हाँ ये गिट्टी कहीं आपके गाड़ी से तो नहीं पड़ा हुआ है भाई साहब? अगल बगल में ना, खैर जो बाहर से ना देखने में पता नहीं चल रहा है कि इतना बड़ा एरिया होगा, लेकिन बहुत बड़ा एरिया है फिलहाल में। और हमको लगता है ना एक एक कोप्चा घूमने के लिए ना बहुत सारा समय लगेगा, और हर हर कोप्चे में घूम सकते हैं यहाँ पे, सब कोप्चा एक ही जैसा लग रहा है। अरे अरे मिल गया मिल गया। आनंद भाई आपका घर अंदर तक क्या? ये भाई साहब इसकी गहराई तो दिखाई दे रही है, बस पता नहीं चल रहा कहाँ तक है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो जो भी चित्रण किया गया था जो अखदूत का जो क्या नाम है वो म्यूजियम में, खास करके ये जो है ना, ये जो अरबी लैंग्वेज या उस समय का जो भाषा है फिलहाल में ये दिया गया है, और क्या है फिर पता नहीं है, लेकिन जो भी है दिखाई तो दे ही रहा है सबको। और आप भी देख लो भाई साहब जो भी है, ये अपने समय का जो बताते हैं ना 2000 साल पुराना यहाँ का हिस्ट्री है। और यहाँ पे ना जो पत्थरों में कटाई हुआ है जो उस समय का जो भी भाषा था, यहाँ पे कुछ निशान मारा बताया गया है यहाँ पे, ये देख सकते हो ये तीर और ये क्या है यहाँ पे, ये जो आनंद भाई ये किसी का पैर का निशान काटा हुआ है यार, यहाँ पे एक घोड़े का निशान है, यहाँ पे स्नैक 2 सांप का, और फिलहाल ये भी कुछ क्या है घर पता नहीं, यहाँ पे चांद का कुछ बनाया गया है। ये है भाई साहब, ये तो शायद दिख रहा है ना यहाँ पे तलवार और एक आदमी का निशान, जैसे मस्र में कहीं कभी कभार देखने को मिलता है। ये भी एक स्नैक का, यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना इसका सर्वेक्षण किया था फिलहाल में उसने, इस उन लोगों ने खोज किया था फिलहाल। और जो चांदी का कॉइन जो दिखा था मैं म्यूजियम के अंदर जो फोटो था, वो तो खैर कहाँ पे रखा है वो तो पता नहीं, लेकिन यहीं से जो भी निकला था यहीं से निकला था। और बताते यहाँ पे ना
जो पिछले वीडियो में एक पाकिस्तानी के साथ जो भी डिस्कस हुआ था आपने सुना ही होगा। हालांकि खैर हिस्ट्री हमको भी क्लियर पता नहीं, लेकिन ये भी बताते हैं 2000 साल पुराना और तकरीबन उस समय कुछ इस्लाम आने से पहले जो ईसा क्या बोलते हैं यीशु मसीह के ज़माने की बात है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि यहाँ पे बहुत अत्याचार बढ़ चुका था और यहाँ पे कुदरत का करिश्मा बोल सकते हैं या कहर बोल सकते हैं। उस समय जो बहुत लोग आतताई थे, लोगों को ज़बरदस्ती और बहुत कुछ जो है लड़कियों के साथ में, और बताते हैं उस समय लड़कियों को ना पैदा होते ही दफना कर देते थे लोग, जिंदा मार भी देते थे। और लड़कियों के साथ जो दुराचार अत्याचार बहुत काफ़ी बढ़ चुका था। तो उस टाइम बारिश हुआ था, यहाँ पे आग का पत्थर गिरा था। तो फिलहाल जो भी सुनने को आता है, खैर कोई अभी तक मेरा पुख्ता सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन जो भी सुनने के लिए आता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। खास करके मैं जितने दिन से आया हूँ ना, ये सब चीज़ सुनने को मिलता है कि यहाँ पे आग का बारिश हुआ है, यखदूद है। और फिलहाल यहाँ पे भी कुछ है जो निशान देख सकते हो, वहाँ पे कैंप वगैरह डाला हुआ है। ये शायद फॉरनर है या सऊदी, पता नहीं, लेकिन हमारे जो ग्रुप वाले हैं यहाँ पे खड़े हैं और बाकी भाई साहब कुछ लेडीज हैं। और यहाँ से जो भाई साहब व्यू आ रहा है ना, बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। और जो पत्थर है ना, हमको लगता है इकट्ठा जब किया गया था, शायद ये पहले का नहीं है, लेकिन ये इसको स्थिरता करने के लिए ना, शायद नजरान गवर्नमेंट ने इसको सही करने के लिए एक नया रूप शक्ल देने के लिए किया था। क्योंकि पहले के ज़माने में ना यहाँ पे जो घर हुआ करता था, अभी भी देखने को मिलता है मिट्टियों का घर हुआ करता था। तो ऐसे में ये पत्थर का होना शायद 2000 साल पुराना तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ यहाँ पे इसको धरोहर के तौर पे लोगों को एक अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जगह जैसा बोलते हैं ना कि एक टूरिज्म पैलेस बनाने के लिए, शायद गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ ये जो सेटलमेंट है पत्थर उत्थर इकट्ठा करके कुछ रास्ता बना दिया इधर। और इधर भी कुछ रास्ता है, ये घर भी शायद हो सकता है अपने उस समय के हिसाब से। क्योंकि आप देख सकते हैं ना नजरान में ना चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, चारों तरफ, एक तरफ नहीं चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। अगर वीडियो में देख सकते हैं ना तो चारों तरफ कहीं ना कहीं पहाड़ दिख रहा है। अनिल भाई भी फोन किए थे, आ रहे हैं वो भी, और बाकी जो एरिया है ना अभी कवर करने के लिए बाकी है। चलते हैं उस तरफ और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे कुछ कैंप तो पड़ा हुआ है, शायद सऊदी लोग या सिक्योरिटी जो भी होगी यहाँ पे वो रहने के लिए कुछ व्यवस्था किए होंगे लोग। और फिलहाल अपना जो है ना इनको तो बस टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे। आनंद भाई कुछ घूम रहे हो, बस यहाँ से नज़ारा देख रहे हो भाई? खम्मा नहीं है यार, डस्टबिन बनाया गया है। पूरा हम लोग जो है ना अलगदूत घूम चुके हैं अभी। जितेंद्र भाई को पता भी नहीं चला कि बारिश हुआ कहाँ पे, माने उस जमाने का जला हुआ। देखो देखो हाथ 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 में उठाओ, हाथों में उठाओ, हाथ में उठाओ, जला हुआ है अभी भी, देखो गर्म है, अभी गर्म है, ओ जल गया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, घूम घूम के ना जब थक जाए इंसान तो बैठने के लिए भी व्यवस्था किया है यहाँ पे। ओ भाई कहाँ पे, यहाँ पे ये जो बारिश की वजह से ना हरा भरा तो हो गया है अगल बगल में, लेकिन ये पुराने जमाने में जब जला था वो किस समय का जला है भाई वो तो खैर मुझे भी पता नहीं, लेकिन जो भी अभी भी लकड़ी जला पड़ा है यार, ये सच में जला हुआ है यार, सच में जला पड़ा है लकड़ी। वो कहता है ना सूख जाता है जो पानी, वैसे तो बबूर है साला, ऐसे भी नहीं सूखना चाहिए इसको। तो आ जा इधर नजदीक से आके थोड़ा सा सर्वेक्षण करो भाई साहब। यहाँ पे ना गवर्नमेंट ने यहाँ पे इमरजेंसी के लिए भी सुविधा बना के रखा हुआ है यहाँ पे। और फिलहाल जो अंदर भी अगर कोई एक नंबर या दो नंबर यानी पेशाब या लैट्रिन जो भी लगता है तो बना हुआ है यहाँ पे। देख सकते हो जो पीला वाला जो है ना डब्बा जैसा दिख रहा है, ये छोटा छोटा टॉयलेट बना हुआ है, दो पीस है। यहाँ पे पानी का टंकी भी रखा हुआ है और दो ये तीन कैंप जो पड़ा है वो खैर पता नहीं मुझे। बाकी जो बात है अभी अनिल भाई भी आ चुके हैं। हाँ अरे कहाँ जंगल में घुस गए भैया, कहाँ जंगल हम चले गए? ओए ओयो भाई साहब ये लोग कहाँ पे गुम हो गए भैया, ढूंढने पड़ेगा जंगल में कहीं मंगल तो नहीं करते लोग। तो भाग के चलते हैं, अनिल भाई भी आ रहे हैं, खैर उनको क्या बताएगा,
कभी तुम्हें बोला तो मुर्गी कटवाने के चक्कर में थे। क्या हुआ, कुछ मिल गया क्या? हाँ यार, इधर तो ज्यादा ही गिरा हुआ है, यहाँ पे सब पत्थर जड़ी पड़ी है। यहाँ पे बस रास्ता बना है यार। ये किस चीज का पौधा है यार? फल भी है इसमें, थोड़ा खा के चेक करो यार कैसा लग रहा है। क्या बात करता हूँ, मर्द नहीं खा तो भर में उड़ गई आसमाने में। अरे फिर भी एक पथरीली के हिसाब से ना यहाँ पे मिट्टी दब रही है, पैर रखने में ना मिट्टी दब रही है। और बारिश तो पता नहीं किस जमाने का हुआ है, फिलहाल अभी तो याद भी नहीं है। ये मारना ये देखा था कहा था कौन हिस्ट्री भाई, यहाँ पे देखा था ये लकड़ी देखा जरल बा करिया भाई बखना नहीं। इतना लोग यहाँ पे घूम रहे हो, किसी को पता चला अभी तक क्या घूम रहे हो? मुर्गी कटवाओ तो यहाँ पर बहुत होल्ड कर देंगे। पत्थर देख लो, वो देखो जला पत्थर है। नहीं उठा, मजाक नहीं, मजाक उठा 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 नहीं, ये उल्का पिंड का है। तो आनंद भाई को मिल चुका है भाई साहब 2000 साल पुराना जला हुआ पत्थर। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। यहाँ पे जॉगिंग करने का जगह अच्छा है। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, जो हम लोग खोज रहे थे भट्टा मिल गया। चलो ईंट का भट्टा मिला है, जो उस कहाँ मिला है, उस जमाने का जो ईंट का भट्टा है ना, जहाँ पे ईंट का घर बनाया जाता था। फिलहाल अपने तरफ जो भट्टा बनता है उसी हिसाब से जो मिट्टी का बनता था ना ईंटें, तो ऐसा ही कुछ है। लेकिन थोड़ा सा रास्ता जो है यार, ये सांचे वाला ईंट नहीं लग रहा यार, ये सच में ईंट है यार, सच में ईंट है। ये देखो ए मिट्टी जो पांच के ईंट बनाते हैं ना, वैसा वाला ईंट है। अपने अपने तरफ जो टुक्का होता है ना टुक्का, ये देखो यार, ये देखो ईंट है। ईंटों का लोहा का, ईंटों का माटी का, लेकिन 2000 साल पुराना है ना वो, तो देखो 2000 साल पहले ईंटा का विस्तार कहा बात करो, 2000 साल पुराना घर ही नहीं था, इसका मतलब सब जंगल में रहते थे। घर रहा अपने 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 भट्टा जो बनाते थे लोगों, क्या चीज था जो माटी का ही तो ईंट बनता है ना, अभी भी माटी का ही ईंट बनता है। वो देखो वहाँ पे है कुछ इतिहास, देखो हिस्ट्री लग रहा है। देखो देखो यहाँ पे भी कुछ हिस्ट्री लिखा होगा, ये माइल स्टोन है भाई, उस समय का छेद हुआ पत्थर यार। अच्छा ये पत्थर का फोटो दिया है वहाँ पे, इसको जूम करके देखो अंदर तो क्या है। अरे उधर छेद है यार, देखो जूम कर ले पता चल गया। ये आटा पीसने का इतना बड़ा कैसे पीसते होंगे लोग? आधा सेम सेम बर रहा, बर बर आधा बर यानी आटा चक्की है भाई साहब उस समय की। और यहाँ पे जो गेहूँ डाल के ना आटा निकालने वाला सिस्टम था, और इसको क्या बोलते थे ना कि जो उस समय गधे चलाते थे इसको, यानी स्मॉल माइल स्टोन है। ये बड़ा माइल स्टोन कहाँ पे भाई साहब? जितेंद्र भाई बड़ा वाला आटा चक्की किधर है? 400 साल पुराना है, 200 से 400 साल। हाँ 400 मानो, 200 कहाँ देखा था। सीडर ट्री है फिलहाल 300 से 400 साल पुराना, और विशालकाय हो चुका है यहाँ पे। ये अपने तरफ होता ना तो यहाँ पे हम लोग झूला झाल डाल के ना सावन के झूले झूलते। अच्छा ये बैर का पेड़ है यार, अभी तक ना बड़ा वाला मिल गया, बड़ा वाला माइल स्टोन मिल गया भाई साहब, बड़ा वाला चक्की। उसमें तो गधे को डाल के आटा पीसते थे, अब इसमें कौन सा हिस्ट्री होगा पता नहीं, इसमें कौन सा चीज को लगाते होंगे आटा निकालने के लिए। क्या बोला तूने? ये है आटा चक्की जो बिग माइल स्टोन है, पूरे 8 लोग हैं
उस समय चक्की चलाने के लिए कोई ना कोई तो लगा होगा, चाहे गधा हो चाहे जो भी हो लगा होगा। इतने लोग थोड़ा हिला के दिखा दो, चलो। अरे वही गेहूँ डाले वाले मजा आया नहीं, फसाए वाला तो थोड़ा सा हिला के दिखा दो, इतना बड़ा बड़ा शक्तिमान तो ये बड़ी अच्छी बात कही है। जितेंद्र भाई लेकिन आटा निकलता कहाँ से था? चक्की नहीं होता है, ये मिट्टी हो गया भाई सब आटा। ये तो भाई कुछ और भी मिला है यहाँ पे। और चलो था, रुका हम दौड़ के देख के आता नहीं। कोई नहीं, मस्जिद था यहाँ पे। और यहाँ पे जो 1417 यानी हिजरी है ना, पता नहीं क्या है जो भी। और यहाँ पे मस्कू हुआ करता था, मस्जिद हुआ करता था उस समय में। चलो थोड़ा देख ही लेते हैं भाई यहाँ पे कैसा कुछ चबूतरा वगैरह जो भी पढ़ने का, नमाज पढ़ने का जो तरीका है, जहाँ से अजान देते हैं लोग, यहाँ पे वैसा कुछ सिस्टम है था कि नहीं था उस टाइम का। ये कुछ बना हुआ यहाँ पे, और ये शायद मस्जिद का जो गुंबद होता है, मस्जिद का जहाँ पे से अजान देते हैं लोग, ये बना हुआ है शायद। दो बना है यहाँ पे। खैर जिनको हिस्ट्री के बारे में पता है भाई उनको मालूम होगा। और यहाँ पे भी कुछ बना है, क्या है, 1 2 3 4 5, ये 5 है, क्या है पता नहीं। चारों तरफ से बाउंड्री मार के ना बनाया गया है इसको। लेकिन अगर मस्जिद में अजान होता था ना, तो अगर हमको लगता है पश्चिम की तरफ अजान देते हैं लोग, तो उस हिसाब से ये एरिया होना चाहिए जहाँ से अजान देने का जो होता है। और वहाँ पे शायद, खैर जो लोग हैं जानते हैं भाई, तो कमेंट करना कि कहाँ से कैसे क्या क्या था सिस्टम यहाँ पे, अगर जो लोग हिस्ट्री जानते हैं इसका। हाँ अव्वल मस्जिद था, बहादुर साम अव्वल मर यानी मस्जिद है ना। हाँ कम सना मुमकिन है तकदीम अयो वक्त तारीख माफी मौजूद। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो इस्लाम आने के बाद पहला मस्जिद है जो यहाँ पे है। और उसके बाद तो खैर समझ लीजिए जैसे जैसे इस्लाम बढ़ते गया वैसे वैसे मस्जिद भी, और इनका जो हिसाब है पूजा पाठ का बढ़ते गया समझ लीजिए अजान और नमाज का। तो इस हिसाब से जो हिस्ट्री है वो मस्जिद है मालूम है नजरान में, इस्लाम आने के बाद जो है ना पहला मस्जिद बता रहे हैं दोस्तों। भैया घूम घूम के ना पहुंच चुके हैं आखिरी मकाम पे जो है। और बाकी जितने लोग हैं भाई, जो जो लोग गए थे सब वापस आ गए ना, कोई गुम तो नहीं हुआ। सब ये बहुत ना इंसाफी हुआ हम लोग के साथ में। अंदर जाने का टाइम ना हम लोग को अंदर से घुसेड़ा है लेके गया, और वापस जाने के लिए बाहर से धक्के मार के भगा दिया। गजब बेइज्जती है। तो भाई साहब फाइनली हम लोग निकल चुके हैं आग दूध यानी जहाँ हुआ था आग की बारिश वहाँ से बाहर। और फिलहाल जो भी बहुत दिन से जो 10 सालों से जो एक ख्वाब था ना कि जाएं आग दूध जहाँ पे आग का बारिश हुआ घूम के आएंगे, फायदा नहीं हुआ यार। जो भी है एक होता है ना कि टूरिज्म प्लेस के हिसाब से जाना जाता है, और उस हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत काफी खर्चा भी किया है। A few moments later. पहुंच चुके हैं रूम पे, और फिलहाल रास्ते में क्या कांड हो गया ना कि हम लोग वहां से आए आइसक्रीम खाए मैकडोनल्ड में। और फिलहाल जितेंद्र भाई को लेना था कुछ हर राज्य में सामान, और हर राज्य में पहुंचे तो क्या कांड हो गया जितेंद्र भाई थोड़ा बताओगे? एक्चुअली क्या हुआ कि हर राज्य में ना हेलो रोड क्रॉसिंग करके जैसे दूसरा साइड में गाड़ी पार्क किया, मुझे तो दिल नहीं कर रहा था जाने के लिए। चार लोग तो क्रॉस किया, आनंद भाई बच गए फिलहाल में, बहुत खुश हैं। तीन लोगों को मुखालफा आ गया, और ये कितने का आया अभी फिलहाल मैसेज नहीं है, लेकिन 100 रियाल या 500 रियाल या 1000 कितने का आएगा पता नहीं। रोड क्रॉसिंग का कोई लिमिट नहीं है, 100 भी आ सकता है, 500 भी आ सकता है, पहले कभी कभी 1000 भी आ जाता था, तो कितना आएगा खैर पता नहीं। तो आज का वीडियो करते हैं इवेंट, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, बेल नोटिफिकेशन भी दबा लें जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम। अगर
तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।